तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल कान्वी टेक्निकल ज्ञान में। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप एसी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी, क्या फायदे हैं इन्वर्टर एसी के और क्या नुकसान है नॉन इन्वर्टर एसी के, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों। तो अभी मार्केट में अवेलेबल है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी। तो अभी आप अगर लेने का सोच रहे हैं कोई भी एसी, तो आपको आपके मन में भी ये सवाल होगा कि कौन सा ले, इन्वर्टर ले या नॉन इन्वर्टर ले, इन्वर्टर में और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क है। तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला फर्क जो है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में, या नॉन इन्वर्टर यानी फिक्स स्पीड इसको भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क रहता है दोस्तों उसके कंप्रेसर का। कंप्रेसर का फर्क इसलिए रहता है क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो एक कट ऑफ ऑन ऑफ वाली सिस्टम पे चलता है। जब भी आप उसका टेम्परेचर सेट करेंगे वो कूलिंग स्टार्ट करेगा और वो डिजायर कूलिंग आपका जो 25-24 आपने जो भी सेट किया है उस पे आके वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वो आपका कूलिंग लाने के लिए फुल स्पीड में चलेगा और कूलिंग आने के बाद वो बंद हो जाएगा। जबकि इन्वर्टर एसी क्या करता है दोस्तों, एक बार वो स्टार्ट होता है आपके डिजायर टेम्परेचर में आने के बाद वो आपके रूम टेम्परेचर को एकदम ऑब्जर्व करता रहता है कि वो 25 या 24 जो आपने सेट किया है उसको बनाए रखे। तो वो वेरिएबल स्पीड में काम करता है दोस्तों। अगर आपका टेम्परेचर एक बार पहुंच गया है आपके डिजायर टेम्परेचर पे, फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी वो नहीं करता है, वो कट ऑफ ऑन ऑफ हर बार वो पूरी पावर लेता है और ये वेरिएबल स्पीड में चलता है। तो ये बेसिक फर्क है उसका, यानी वेरिएबल स्पीड और फिक्स स्पीड। तो इनमें से वेरिएबल स्पीड जीत जाता है पावर एफिशिएंसी में, पावर कंजप्शन उसका कम रहता है। सेकंड चीज जो रहता है उसका स्लो डाउन हो जाना। इन्वर्टर एसी जब स्लो डाउन हो जाएगा तो पावर कंजप्शन कम लेगा, जबकि नॉन इन्वर्टर है जो स्लो डाउन नहीं होगा, वो कट ऑफ ऑन ऑफ होगा। तो कट ऑफ होने के बाद वो जब भी स्टार्ट होगा तो वो फुल स्पीड पे काम करेगा, तो आपका पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो ये एनर्जी इस तरह से सेव करेगा कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अगर आप बाइक चला रहे हैं हाईवे पे और आप बाइक चला रहे हैं किसी सिटी में या कंजस्टेड एरिया में, तो अगर आप बाइक को कंटिन्यूअस एक स्पीड पे या वेरिएबल कम ज्यादा करके फुल हाईवे पे चलाएं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका बाइक का एवरेज बढ़ जाएगा। और जबकि आपको सिटी में चलाने में क्या होगा कि आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे, आपको रुकना पड़ेगा फिर से बाइक को स्पीड में लाने के लिए। अब क्या होगा कि वो पावर, उसको फ्यूल ज्यादा चाहिए। तो यही चीज है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में। जब भी वो बंद चालू होगा नॉन इन्वर्टर, तब उसका पावर कंजप्शन वो पूरा लेगा। जबकि इन्वर्टर है वो वेरिएबल स्पीड में चलेगा, टोटली बंद नहीं होगा लेकिन वो वेरिएबल स्पीड में चलेगा, तो पावर कंजप्शन थोड़ा कम रहेगा। और उससे बड़ा इफेक्ट क्या आता है दोस्तों, अगर आप नॉन इन्वर्टर लेते हैं तो जो कट ऑफ ऑन ऑफ वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा नॉइजियर होता है, तो उससे थोड़ा आपको नॉइज लेवल ज्यादा मिलेगा, जबकि इन्वर्टर में वो नॉइज लेवल एकदम कम होगा। यानी आप बोल सकते हैं सुपर साइलेंट ऑपरेशन रहेगा, वो जरा भी आवाज नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा फायदा है इन्वर्टर एसी लेने का। दूसरा है दोस्तों फ्लक्चुएशन का। फ्लक्चुएशन में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी आपने ले लिया तो वो क्या करेगा, कट ऑफ ऑन ऑफ होगा, यानी जब वो 25 या 26 आपका डिजायर टेम्परेचर है उस पे आके वो कट ऑफ हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आपको फील होने लगेगा कि एसी बंद हो गया है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तभी वो चालू होगा कूलिंग करने के लिए, तो थोड़ा आपको वो अनकंफर्टेबल फील होगा। जबकि इन्वर्टर एसी में क्या रहेगा कि जो टेम्परेचर आपने सेट किया है उसे बनाए रखेगा कंटिन्यूअसली, जब तक आपका एसी चल रहा है तब तक आपका डिजायर टेम्परेचर 25 है तो 25 कंटिन्यूअस रहेगा, उसको बनाए रखने के लिए वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और इससे क्या होगा कि कंफर्ट कूलिंग मिलेगा दोस्तों। कंफर्ट कूलिंग यानी आपको 25 या 26 जो आपने सेट किया है वो कंटिन्यूअस आपको मिलता रहेगा। और लास्ट जो इसका बेनिफिट है कि जो इन्वर्टर एसी रहता है वो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली रहता है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है R32 या R410 वो
एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अभी आपने देखा होगा कहीं इसी पे लिखा है कि R32 एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है या R410 है। तो जो नॉन इन्वर्टर में जो गैस आता था वो R22 आता था, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं था। तो अभी वो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, हालांकि उसको टाइम लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। अगर मैं एक सिंपल आपको कौन सा लेना चाहिए उस बारे में बात करूं, तो अगर आपका यूसेज आठ घंटे से कम आपका यूसेज है तो आप नॉन इन्वर्टर में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कट ऑफ ऑन ऑफ नहीं होगा, तो आपका नॉन इन्वर्टर भी आपको सूटेबल हो जाएगा। और अगर आपका 8 घंटे से ज्यादा यूज है तो क्या होगा कि वेरिएबल स्पीड में चलेगा, तो आपका पावर कंजप्शन बचाएगा। तो आपका यूसेज अगर ज्यादा है तो आप इन्वर्टर में जा सकते हैं, अगर आपका यूसेज लेसर देन 8 है, 8 आवर्स है, तो आप नॉन इन्वर्टर भी ले सकते हैं। और दूसरी एक चीज दोस्तों कि अगर आपका जो जहां पे भी आपको एसी लगाना है वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, आपका रूफ टॉप है या 2-3 दीवारों से आपका अगर सनलाइट आ रहा है डायरेक्ट, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी तो थोड़ा स्मार्टर होता है। और अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है या धूप डायरेक्ट आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसका कंप्रेसर स्लो डाउन नहीं हो पाएगा। अगर स्लो डाउन नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, फुल स्पीड पे कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो उससे आपका एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा। इन्वर्टर एसी में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्लो डाउन नहीं हो पाता अगर वो डिजायर टेम्परेचर पे ना आए। और नॉन इन्वर्टर एसी एक बार आने के बाद वो कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ होने से क्या होता है कि अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट भी आ रहा है तो वो एक टाइम पे जाके कट ऑफ हो जाएगा, बट नॉन इन्वर्टर एसी वो नहीं करेगा। तो आप अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट आया, रूफ टॉप है, तो आप प्रीफर कीजिए कि आप नॉन इन्वर्टर एसी ही लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा नहीं, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर में आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में ये अभी आगे के वीडियो में आप बताऊंगा कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि चालू होता है एकदम फुल स्पीड में, और इस दूसरी तरफ है इन्वर्टर कंप्रेसर। देखिए दोस्तों ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, स्लो मोटर है, स्लो कूलिंग है और कट ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ है इन्वर्टर ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर, जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है, फास्ट मोटर है, फास्ट कूलिंग होगा, तो इससे आपका पावर कंजप्शन हो जाएगा कम। तो यही डिफरेंस है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पे। तो ये अगर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है तो नॉइज़ लेवल भी ज़्यादा होगा और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जबकि इन्वर्टर कंप्रेसर नॉइज़ लेवल भी कम होगा और पावर कंजप्शन भी कम लेगा। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी के, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।